Good morning, students. I will teach you Hindi lesson number 1. So, in previous videos, I taught you lesson number 1, poem and word meaning. Okay? So, today we will solve the book exercise. So, let's start. सब अपने अपने बुक ओपन करेंगे. लेसन नंबर 1 पेज नंबर 9. अपने अपने बुक के अंदर बुक वर्क निकालेंगे. उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है मौखिक क्वेश्चन आंसर, यानी ओरल क्वेश्चन आंसर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है, बालक की पहली कामना कौन सी थी. हमने पोयम पढ़ी थी, आप सबने पोयम अपने अपने पिछली वीडियोस में देखी होगी. तो उसमें हमने पोयम के बारे में उस लड़ वो जो लड़का है उसके मन में जो भी इच्छा थी, कामना मीन्स इच्छा, जो भी उसके मन में जो इच्छा थी उसके बारे में हमने पोयम में पढ़ा था. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर, उसी में से जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में जानेंगे. बालक की पहली कामना कौन सी थी. तो बालक की पहली कामना कौन सी थी, देश की सेवा करना. ओके, क्या उसकी कामना थी, उसकी क्या इच्छा थी, अपने देश की सेवा करना. ना उसको धन की इच्छा, ना उसको मन की इच्छा, ना उसको कोई पद यानी ओहदे की इच्छा थी, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं थी. उसको सिर्फ क्या इच्छा थी, उसकी सिर्फ क्या कामना थी कि वो देश की सेवा करे, यानी देश की सेवा करना. तो बालक की पहली कामना क्या थी, देश की सेवा करना. सेकंड है, बालक के मन में किस किस बात की कामना नहीं है. उसके मन में कामना थी देश की सेवा करना, लेकिन ऐसी कौन सी कामना थी जो उसके मन में नहीं है, जो उसको नहीं चाहिए, उसकी इच्छा नहीं थी. तो वो क्या क्या थी, धन, नहीं कामना धन की मन में, नहीं कामना यश की, बोला है ना. तो धन, यश, यश मीन्स कीर्ति या बढ़ाई, पद, पद मीन्स ओहदा, डेजिग्नेशन, एंड और सर्वस, सब कुछ और सर्वस. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, बालक के मन में किस किस बात की कामना नहीं है, धन, यश, पद और सर्वस. थर्ड है, बालक अपने माता पिता के बारे में ईश्वर से क्या कह रहा है. बालक जो अपने माता पिता के बारे में ईश्वर से क्या कह रहा है. ठीक है, अब देखो, माता पिता को कभी ना भूलूं, करूं सदा उनकी पद पूजा, उनके आगे लगे ना कोई, अच्छा जग में मुझको दूजा. मतलब वो क्या कह रहा है कि वह अपने माता पिता को कभी ना भूले और उनके पैरों की पूजा करता रहे, क्योंकि उसने क्या किया है, माता पिता को ही ईश्वर का दर्जा दिया है. तो वो ये कहता है कि वह अपने माता पिता को कभी ना भूले कभी ना भूले और सदा उनके पैरों की पूजा करे. सदा उनके
पैरों की पूजा करता रहे। पूजा करें, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामना को और क्या कहते हैं। मैंने आपको जब लेसन स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि कामना का दूसरा नाम क्या है, इच्छा। तो कामना को और क्या कहते हैं, कामना को इच्छा भी कहते हैं। ओके, अब देखो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी बुक और नोटबुक दोनों में राइट करने हैं, ओके। अब नेक्स्ट है, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बालक के मन में पहली कामना कौन सी थी। आपने पोयम पढ़ी है, आपको पता है पहली कामना कौन सी थी, देश की सेवा, पद पूजन या यश कामना। कौन सी थी, देश की सेवा। तो हम देश की सेवा, इसके आगे हम क्या करेंगे, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टिक लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट है, बालक किसकी पद पूजा करना चाहता है, किसकी करना चाहता है। ऑप्शन है हमारे पास, माता पिता की, ईश्वर की या रिश्तेदार की। गुड, माता पिता की, हमने पोयम में भी पढ़ा है माता पिता की। तो बॉक्स है, उसके आगे हम टिक लगाएंगे, ओके। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, निम्न पंक्तियाँ पूरी कीजिए, कंप्लीट द फ्लोइंग लाइन्स। हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, उसे हमें कंप्लीट करना है। सो ये सबको अपने अपनी नोटबुक में और बुक में राइट करना है और लर्न करना है। निम्न पंक्तियां पूरी कीजिए, तो चलिए हम इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। सो फर्स्ट कैम में क्या है हमारे पास, नहीं कामना, नहीं कामना डैश। तो क्या है, क्या कामना नहीं है, नहीं कामना धन की मन में, धन की मन में। ओके, डैश यश की, डैश यश की। तो क्या है, नहीं कामना है यश की। है
यश की। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? नहीं कामना है ये भरना है, आपको फील करना है उसके अंदर। यश की लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पद की भी डैश कामना। पद की भी डैश कामना। अब क्या है? पद की भी नहीं कामना, तो यहां हम क्या लिखेंगे? नहीं। ओके, नेक्स्ट नहीं डैश सर्वस्व की। नहीं डैश सर्वस्व की। तो क्या आएगा? कामना। ओके, हो गया कंप्लीट। इसके बाद सेकंड वाला और देखो। मात पिता डैश मात पिता डैश ओके करूं डैश पद पूजा। उनके डैश कोई उनके डैश कोई अच्छा डैश मुझको दूजा अच्छा डैश मुझको दूजा। ओके, तो मात पिता को कभी ना भूलूं, को कभी ना भूलूं। मात पिता को कभी ना भूलूं। करूं सदा उनकी पद पूजा, तो यहां क्या आएगा? सदा उनकी। ओके, उनके डैश कोई उनके आगे लगे ना कोई। अच्छा डैश मुझको दूजा अच्छा जग में यानी संसार में मुझको दूजा। इज दैट क्लियर? मात पिता को कभी ना भूलूं, तो क्या आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? कभी को कभी ना भूलूं। करूं डैश पद पूजा, करूं सदा उनकी, प्लिंका ब्लैंक्स में क्या आएगा? सदा उनकी। उनके डैश कोई, तो प्लिंका ब्लैंक्स में क्या आएगा? आगे लगे ना कोई। अच्छा डैश मुझको दूजा, तो प्लिंका ब्लैंक्स में क्या आएगा? अच्छा जग में मुझको दूजा।
इज दैट क्लियर? हो गया सबका? अब नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ओके, अब जैसे आपको कोई भी शब्द दे दिया गया है, अब जैसे हमें दिया हर्ष, फर्स्ट क्या है? हर्ष। हमें क्या है? हर्ष से वाक्य बनाना है। आज मेरा रिजल्ट देखकर मैं हर्ष से फूली नहीं समा पाई। ओके, तो हर्ष का ऐड करके हमें एक पूरा वाक्य बनाना है। ठीक है, तो जैसे आज मेरा रिजल्ट देखकर मैं हर्ष से फूली नहीं समा पाई, तो ये एक पूरा वाक्य बन गया ना। अब जैसे सेकंड है प्राण, प्राण, प्राण से क्या कोई भी एक वाक्य बनाना है। क्या बनाओगे? मैं हथेली पर प्राण रखकर देश की सेवा के लिए लड़ने जाऊंगी। ठीक है, या अगर कोई बॉयज है तो वो क्या लिखेगा? मैं हथेली पर प्राण रखकर देश की सेवा के लिए लड़ने जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो वाक्य बन गया ना एक पूरा। तो हमें इन वर्ड से एक एक वाक्य बनाने हैं। जैसे नेक्स्ट है अच्छा, तो हम कह देंगे कि मान लो इसका नाम रजत है, हम बोल देंगे रजत बहुत अच्छा लड़का है। तो वाक्य बन गया इसमें, रजत बहुत अच्छा लड़का है। नेक्स्ट है कामना, तो कामना, हमने तो पूरी पोयम पढ़ी है कामना के ऊपर, बहुत से वाक्य हैं कामना पर। जैसे कि मेरी बस यही कामना है कि तुम हर पद पर आगे बढ़ते जाओ। मेरी बस यही कामना है कि तुम हर पद पर इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। अब नेक्स्ट है हथेली, नेक्स्ट है हथेली। अब हथेली पर क्या लिखोगे? आप सभी को पता है हमारे जो देश के जवान हैं, देश के सैनिक हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम अब इस पर क्या बनाएंगे? हमारे देश के सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर लेकर चलते हैं। इज दैट क्लियर? वाक्य बनाना था, हमारे जो देश के सैनिक है वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण सदैव हथेली पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है पूजा, पूजा पे अब हम क्या बनाएंगे? नो, कोई नेम नहीं है पूजा। पूजा हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं, हम हमारे माता को ईश्वर के समान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक वाक्य बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? हमें सदैव हमारे माता पिता की ईश्वर की तरह पूजा करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इन वर्ड्स के हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सब अपनी अपनी बुक के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी बुक में फील करेंगे। नेक्स्ट है फॉर, उचित शब्दों द्वारा खाली। सो दिस वर्क इज योर होमवर्क। ओके, सो डू इन योर book and send me photos on WhatsApp, but mention your name top of books work pages। आपको अपने work page के ऊपर अपना अपना name mention करके मुझे WhatsApp भेजना है। Okay, is that clear? So thank you।
हैव ए नाइस डे।